हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना, हम बिल्कुल सिंपल मेकअप करेंगे, बिल्कुल सिंपल 5 स्टेप मेकअप करेंगे। कुछ भी नहीं है, जैसे देखिए थोड़ा सा डार्क सर्कल लग रहे हैं, थोड़ा अनइवन स्किन लग रही है, केवल इसको हाइड कर देंगे। और ये मेकअप है ना, आप डेली भी कर सकते हो। जैसे आपको डेली ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, कोई हैवी प्रोडक्ट नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट ऑन योर फेस, मेक श्योर योर फेस इज क्लीन। सो फॉर क्लीनिंग माई फेस आई एम यूजिंग दिस वेट वाइप्स। ये ट्यूलिप्स की है, तो आप कोई भी वेट वाइप्स यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो भी डर्ट होगी, गंदगी होगी थोड़ी बहुत भी, देखिए ये आपके फेस से बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, सो क्लीनिंग इज डन। तो मॉइस्चराइजर की जगह मैं ये गार्नियर का सीरम यूज़ कर रही हूँ, फेस सीरम। आपके पास अगर मॉइस्चराइजर है तो मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिए, लेकिन इससे क्या है ना, थोड़ा रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब थोड़ा शाइन आ जाती है चेहरे में। दैट्स आई एम यूजिंग दिस। सो बाकी तो आपके ऊपर है। इसको अच्छे से स्किन में एब्सॉर्ब करवाना है आपको। सो नाउ डायरेक्टली आई एम गोना अप्लाई दिस फाउंडेशन। ये लैक्मे का फाउंडेशन है, एंड इसमें ना ये प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन है। तो मैं कोई भी प्राइमर नहीं लगा रही हूँ। वैसे अगर आपका फाउंडेशन नॉर्मल है तो आई विल सजेस्ट या प्राइमर जरूर लगाओ, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन। तो आई एम गोना डायरेक्टली अप्लाई दिस। ये हमेशा ना डैब डैब करके लगाना है, ऐसे घसीटा नहीं मारना है स्किन के ऊपर, क्योंकि जब आप घसीटा मारते हो ना, तो क्या होता है कि वो स्किन में एब्जॉर्ब करवाना होता है इसको। ये कोई मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं है जिससे आप मसाज करोगे, इट्स अ फाउंडेशन। सो जस्ट हैव टू एब्जॉर्ब दिस इन द स्किन। ठीक है, देखिए कंटोरिंग वगैरह वो सब बहुत ही एडवांस लेवल पे आ जाती है, तो वो सब अगर आपको कहीं पार्टी वार्टी में जाना है देन ओनली वो सब चीज़ें रिकमेंडेड होती है। बट डेली में आप ये सब तो नहीं करोगे ना, कंटोरिंग वगैरह, तो इसलिए सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक बेसिक मेकअप है। ऐसा नहीं कि ऐसा आप पार्टी में करके नहीं जा सकते। ऑब्वियसली अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है और आप हैवी मेकअप नहीं करना चाहते हो तो ऑब्वियसली जा सकते हो। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लुक गुड, मतलब अपने लिए, आई एम नॉट सेइंग फॉर अदर्स, अपने लिए आपको, क्योंकि आप अच्छे लगते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, दैट्स वाई, है ना। सो हियर वी आर डन विद द फाउंडेशन। और फाउंडेशन के देखिए, फाउंडेशन सिर्फ फाउंडेशन लगाया एंड आई एम ऑल सेट। अब एक लगाना है ये, कोई भी कॉम्पैक्ट, मैं फिटमी का लगा रही हूँ ये, इसलिए ताकि आपका ये सेट हो जाए फाउंडेशन जो आपने लगाया है ना। आईज के ऊपर भी इसे आप लगाएंगे। सो फेस इज डन। नाउ फॉर आईज आई एम गोन अप्लाई दिस मस्कारा प्लस काजल एंड नथिंग एल्स, नो आई शेडो, नथिंग, जस्ट मस्कारा एंड आई एंड काजल। मस्कारा भी देखिए, आपकी आईलैशेस अगर बड़ी हैं, अच्छी हैं, तो आप स्किप कर सकते हो इसे भी, कोई ज़रूरी नहीं। मेरी आईलैशेस, मेरी आंखें भी थोड़ी छोटी हैं और फेस थोड़ा चबी है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो मस्कारा में मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
सो गाइस मस्कारा इज ऑल्सो डन। देखिए आप देख सकते हैं अब बस एक लिपस्टिक बचा है। आई नो 5 स्टेप से ज़्यादा हो गए एक स्टेप, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि इसमें टाइम कितना लग रहा है मुझे ना, ये वीडियो बिना एडिटेड के और अभी जस्ट 5 मिनट हुए हैं। तो अब मैं केवल लिपस्टिक लगाऊंगी, और अगर आप ब्लशर चाहते हैं तो लिपस्टिक को एज ए ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये जस्ट हब्स की यूज़ कर रही हूँ, लिप एंड चिक टिंट है तो ये दोनों के लिए काम आ जाएगा, फॉर लिप्स एज वेल एज फॉर एज ए ब्लशर, है ना। बस ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है तो मैं हल्का हल्का सा, और आप फिंगर से ही कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू हैव सो मैनी थिंग्स लाइक वो सब, है ना। और ये लिप एंड चिक टिंट बहुत ही अच्छा है जस्ट अब से। सो आई एम डन। सो ये है एक्सट्रीमली लाइट मेकअप, थोड़ा सा हेयर डू मैंने किया नहीं, अगर हेयर डू करूँगी तो और भी अच्छा लुक आएगा। तो हेयर आई एम रेडी। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़। बाय बाय।